अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक अमेजिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके सनटैन को रिमूव करेगा, साथ ही साथ आपकी जितनी भी टैनिंग है उन सब चीज़ों को रिमूव करेगा। आपको करना होगा एक छोटा सा काम, आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा। साथ ही साथ आपको बस इतना ही कर लें तो याद रखें, कभी भी आप बाहर से घर में आते हैं तो कभी भी अपने चेहरे को वॉश नहीं करेंगे। जब 15 मिनट हो जाए तब आपको अपने चेहरे को अच्छे से वॉश करना है विदाउट एनी साबुन या फिर फेस वॉश के। सिर्फ ठंडा पानी से आपको थपकियां देनी है अपने चेहरे पर ताकि चिल आउट हो सके। फिर आपको इस रेमेडी को यूज़ करना है जिससे कि आपकी स्किन के डैमेजेस की रिपेयरिंग हो सके। आपकी स्किन पे जो भी सन बर्न हुआ है, आपकी स्किन की रंगत कम हुई है, आपकी स्किन काली हो गई है, तो वो सारी चीज़ें बैलेंस में आ सके, आपकी स्किन इवन हो सके। और क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा हमारी स्किन ख़राब कब होती है? जब हम अपनी स्किन को डायरेक्ट सनलाइट में लेकर जाते हैं या फिर हमारे जो स्किन है वो सनलाइट के सामने आती है तो हमारी स्किन बहुत डैमेज होती है, क्योंकि जो सन की अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, जो रेसेस होती हैं यूवीए और यूवीबी, ये हमारी स्किन की अंदर की परतों को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे हमारा मेलानिन जो है डैमेज होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि हमारी स्किन का रंग कम हो जाता है और हमारी रंगत जो होती है वो काफ़ी सांवली हो जाती है और दाग धब्बे बनने लगते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूर से, क्योंकि वीडियो को अगर आपने स्किप कर दिया तो आधी इन्फॉर्मेशन लेके जाओ तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। 5 मिनट तो है ना आपके पास, तो जल्दी से चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो इस रेमेडी का सबसे खास पार्ट जो है वो है हमारी क्लींजिंग, यानी कि जब हम धूप से आएंगे तो हमें अपनी स्किन को डीपली क्लीन करना होगा। उसके लिए हमें चाहिए है कच्चा दूध, यानी कि रॉ मिल्क, जो हमारी स्किन के जितने भी दाग धब्बे हैं उन सबको ये रिमूव करेगा। तो इस तरह कच्चा दूध लेंगे और एक कॉटन का टुकड़ा आपको इस तरह से लेना है और इसमें हल्के से डिप करेंगे और अपने फेस को इसी से अच्छे से साफ करेंगे, क्लींस करेंगे, जिससे कि आपकी जितनी भी डर्ट है, पॉल्यूशन है, जितना भी सन एक्सपोजर आपकी स्किन पर हुआ है वो अच्छी तरह से डीपली साफ हो। अंदर तक जाकर ये दूध जो होता है आपकी स्किन को साफ करता है, आपकी स्किन को रिपेयर करता है, आपकी जितने भी दाग धब्बे हैं उनको लाइटन एंड ब्राइटन करता है। कच्चा दूध जो है सांवली रंगत को साफ करने का काम करता है। इस गंदगी को आप आसानी से देख सकते हैं मेरे कॉटन के टुकड़े पर। जो दूसरे स्टेप में हमें चाहिए चावल का आटा, जो कि वाइटनिंग का बहुत बड़ा सोर्स है, क्योंकि चावल का आटा, राइस फ्लावर हमारी स्किन को डीपली साफ करता है और ये हमारी रंगत को साफ करने के साथ साथ हमारी रंगत को गोरा करता है, हमारी स्किन को ब्राइट करता है, ग्लोइंग करता है और ये हर तरह के दाग धब्बों को रिमूव करने का काम करता है। क्योंकि चावल का आटा जो होता है बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, वाइटनिंग एजेंट होता है। ये चावल का आटा जो होता है वो हर स्किन टाइप की वाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद माना जाता है। ये आपकी स्किन की जितने भी दाग धब्बे हैं उनको कम करता है, आपकी डार्कनेस को कम करता है, काली परत को उतार कर आपकी रंगत को साफ करता है। हम बात कर रहे हैं सनटैन को रिमूव करने की, तो इसमें रॉ मिल्क ज़रूर से जाएगा, क्योंकि देखा आपने कि कच्चा दूध कैसे हमारी स्किन को साफ करता है, ब्राइटन और ग्लोइंग करता है और किस तरह से निखारने का काम करता है। तो कच्चा दूध हमें चाहिए कम से कम एक छोटा चम्मच। ये अब आता है ये हमारा रोज़ वाटर। रोज़ वाटर हमारी झुलसी हुई जो स्किन है, यानी कि जो धूप की तपन है उसको कम करेगा, ये हमारी स्किन को कूल करेगा और जितने भी ओपन पोर्स की शिकायत है उनको ये रिमूव करेगा, श्रिंक करेगा हमारे ओपन पोर्स को, क्योंकि ओपन पोर्स से हमारी स्किन बहुत ख़राब और डल दिखती है। इसलिए हमें इसको कम से कम एक छोटा चम्मच रोज़ वाटर का लेना है, इसको आप स्किप नहीं करेंगे। रोज़ वाटर हमारी स्किन को ठंडक देता है, हमारी स्किन को एक तरह से टोन करता है, ये एक अच्छा टोनर का काम करता है। तो इसको आप ज़रूर से किसी भी ब्रांड का, अपनी मनपसंद ब्रांड का आप ले सकते हैं। रोज़ वाटर को गर्मी का राजा कहा जाता है, क्योंकि ये जो होता है आपकी स्किन को हर तरह से जो है बर्न होने से बचाता है, आपकी स्किन की टैनिंग को भी रिमूव कर कर्ड होता है, ये हमारी स्किन पर वाइटनिंग को लाता है, हमारी स्किन की डेड सेल्स को रिमूव करके वाइटनिंग का काम करता है, हमारी स्किन को बहुत गोरा करता है और जितने भी ब्लेमिशिंग है, दाग धब्बे हैं उन सब को रिमूव करता है। और जितने भी ये सारे इंग्रेडिएंट आप देख रहे हैं ये सारे वाइटनिंग एजेंट का काम करते हैं। जिनकी रंगत बहुत सांवली है या अनइवन स्किन टोन है या बहुत डार्क स्किन है वो ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जिनकी स्किन धूप से ख़राब हो चुकी है, जिनके हाथ पैर पर भी गंदगी है या फिर उनके कहीं पार्ट जो है बहुत ज़्यादा गंदा है या कोहनी, घुटना, उन सब एरिया पे भी, गर्दन पे, आप इसको ज़रूर सप्लाई कीजिएगा, क्योंकि जितने भी इसमें मैंने चीज़ें ऐड की हैं वो सारी वाइटनिंग एजेंट का काम करती हैं।
आज की रेमेडी का की इंग्रेडिएंट है ये टोमेटो जूस यानी कि टमाटर का रस। आप गर्मियों में इसलिए यूज करेंगे क्योंकि आपकी स्किन जो बर्न हुई है धूप से, आपकी स्किन पर जो टैनिंग हुई है, सांवलापन आया, आपकी रंगत जो है वो खराब हुई है और बहुत ज्यादा डल हो गई है, अनइवन स्किन है, तो इसको आप जरूर से यूज करेंगे। टमाटर का रस आप आधा लें, ये मेरा एक टमाटर का रस है जिसे हमें बस 2 ही चम्मच चाहिए होगा इसको मिलाने के लिए, तो आप इसको ले लीजिए 2 चम्मच और इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक साथ मिला लीजिए। पर इस तरह से इसकी एप्लीकेशन करनी है, इसकी एप्लीकेशन आप काफ़ी थिक करेंगे क्योंकि जब ये थिक होगा तो काफ़ी देर तक इन सब चीज़ों का असर जो है आपकी स्किन पर होता रहेगा। तो आपको सूखने तक कम से कम 20 मिनट तक अपने चेहरे पर इसको रखना है और 20 मिनट के बाद आपको अच्छे से ठंडे पानी से, जो कि बहुत ठंडा हो तो ज़्यादा अच्छा है, उससे रिमूव करेंगे आप। तो ये देखिए मैंने अपने हैंड को वॉश कर लिया है, आई होप ये रिज़ल्ट बिल्कुल विजिबल है और आपकी स्किन भी ऐसे ही ग्लो हो जाएगी क्योंकि मैंने जो भी इसमें एफर्ट डाला है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब जो है ऑर्गेनाइज्ड थी, वाइटनिंग एजेंट की थी, तो इसलिए आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ सपल हो जाएगी, डेड स्किन रिमूव होगी, ब्लैक हेड्स जो बनते हैं वो रिमूव होगा और आपकी जब स्किन बिल्कुल साफ होती है, अंदर से क्लींज्ड होती है, तो पिंपल्स और एक्ने भी नहीं बनते हैं, झाइयाँ भी नहीं बढ़ती हैं, तो इसलिए इस चीज़ को आप ज़रूर से फॉलो करेंगे। फर्स्ट मैंने इस तरह से आप लोगों के सामने फेस कैम वीडियो स्टार्ट किया है, मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कैसा बना है, लेकिन अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर से कमेंट में लिखिएगा ताकि मैं आगे भी आप लोगों के साथ ऐसी ही प्यारी प्यारी सी वीडियोस शेयर करती रहूं। और जाने से पहले आप लोगों को फिर से मैं बोलना चाहूँगी, अभी तक मेरे चैनल पर अगर आपने सब्सक्राइबेशन ऑन नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर से हिट कीजिएगा और मुझे इंस्टा पर भी जल्दी से फॉलो कर लीजिए, इंस्टा आईडी है मेरी pinkbeauty729। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी दुआओं में याद रखूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।